Again, welcome to you all in your English class. So, this chapter is taken from your book Hornbill. So, chapter 1 The Portrait of a Lady, written by Kushwant Singh. So, whenever we start any story or poem, we must understand that the title itself is the summary of the chapter. In very फ्यू वर्ड्स देर फॉर इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट दैट वी मस्ट अंडरस्टैंड द टाइटल ऑफ द स्टोरी फर्स्ट जब भी आप कोई कवि कविता या स्टोरी शुरू करते हैं पढ़ने से पहले उनके जो शीर्षक हैं टाइटल हैं उनको आप ज़रूर ध्यान दें क्योंकि ये शीर्षक या ये टाइटल ही पूरे चैप्टर या पूरे कविता की एक सारांश सामारी होती है हम लोग पहले जान लेते हैं वॉट इज द मीनिंग ऑफ द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी एज यू आर रीडिंग फ्रॉम द वर्ड्स द पोर्ट्रेट मीन्स कोई तस्वीर होता है पोर्ट्रेट का मतलब लेकिन यहाँ पर पोर्ट्रेट का मतलब है कैरेक्टर स्केच चरित्र चित्रण ऑफ ए लेडी मीन्स कोई लेडी का चरित्र चित्रण यहाँ पर किसी भी लेडी का कोई पोर्ट्रेट या चरित्र चित्रण या कैरेक्टर स्केच नहीं है ये जो लेडी है वो बहुत ही स्पेशल लेडी है और वो लेडी है इस चैप्टर के राइटर खुशवंत सिंह की ग्रैंड मदर सो द ऑथर खुशवंत सिंह इज गिविंग आस कैरेक्टर स्केच ऑफ हिज ग्रैंड मदर एंड द टाइटल इज द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी तो खुशवंत सिंह ये राइटर हैं बहुत बड़े राइटर हैं इंडिया के और ये अपनी ग्रैंड मदर के बारे में पूरे चैप्टर में बताते हैं कि वो कैसी थी और अब उनके साथ क्या हो गया और उनसे उनका कैसा लगाव था

ये क्वाइट लाइक ग्रैंड मदर है ये खुशवंत सिंह की ग्रैंड मदर तो नहीं है लेकिन एक आप लोगों के लिए एक आइडिया देने के लिए कि वो क्या कर रही हैं खुशवंत सिंह की ग्रैंड मदर भी इसी तरह अपना वक्त बिताती थी कबूतरों को दाना देते हुए एकांत में बैठे हुए शांत यहाँ पर और कोई भी व्यक्ति नहीं है सो द समरी ऑफ द फर्स्ट चैप्टर टेकन फ्रॉम

डिस्क्रिप्शन ऑफ ग्रैंड मदर कि वो कैसी थी जब वो छोटा था उस समय उसकी दादी माँ उनके साथ कैसे वक्त बिताया करती थी हाउ देयर रिलेशनशिप वॉज मेंटेन्ड स्ट्रॉन्गली इमोशनली और फिर चाइल्डहुड में वो क्या क्या करते थे खुशवंत सिंह अपने बचपना में ग्रैंड मदर के साथ किस तरह वक्त बिताया करते थे वे दोनों एक साथ थे बोथवेट टुगेदर गांव में खुशवंत सिंह जब छोटा था उसकी ग्रैंड मदर उसके साथ रहा करती थी और उसके माता पिता खुशवंत सिंह के माता पिता पेरेंट्स वेयर इन द सिटी फॉर देयर वर्क सो so, इन द विलेज खुशवंत सिंह एंड ग्रैंड मदर वेयर लेफ्ट तो गांव में ही स्कूल आना जाना करता था तो जब स्कूल आना जाना करता था तो उनकी ग्रैंड मदर ही खुशवंत सिंह को स्कूल के लिए रेडी कर देती थी उनके लिए लंच वग़ैरह तैयार कर देती थी सो मेड हिम रेडी फॉर स्कूल देन और उनका वक्त कैसे बीतता था वहाँ आसपास के जितने भी बच्चे थे वो उनकी दादी माँ के यहाँ आते थे और उनकी ग्रैंड मदर सारे बच्चों को बैठा करके स्पेंड टाइम इन रीडिंग स्क्रिप्चर्स जो हमारे जो रिलीजियस बुक्स हैं उनसे कहानियाँ सुनाती थी या फिर कुछ मॉरल स्टोरीज़ सुनाती थी बच्चों को इस तरह से दिन बीतता था उनका और साथ ही उनकी ग्रैंड मदर जब खुशवंत सिंह को स्कूल छोड़ने जाया करती थी तब अपने साथ साथ जो बासी रोटियाँ बची हुई साथ में लेती थी और साथ में लेते लेते रास्ते में जितने भी जो स्ट्रीट डॉग्स मिलते थे गली के कुत्ते वगैरह उनको भी वो रोटियां दिया करती थी तो ग्रैंड मदर वॉज वेरी नोबल पर्सन और इतनी नोबल थी कि वो बच्चों का तो ध्यान रखती ही थी साथ में जो डॉग्स हैं देखिए स्ट्रीट डॉग्स जिनको कि कोई पूछता नहीं है उनको भी खाना देती थी सो दिस वॉज द फर्स्ट फेज ए क्वाइट लाइक एन इंट्रोडक्शन सो द सेकेंड फेज वॉज टर्निंग पॉइंट जब गांव के इस तरह के खुशनुमा माहौल के बाद एक सेकेंड फेज आता है उसमें क्या होता है एक टर्निंग पॉइंट आता है टर्निंग पॉइंट इन द सेंस कि थोड़ा सा जिंदगी में बदलाव आता है क्योंकि खुशवंत सिंह के पेरेंट्स सिटी में रहा करते थे अब ऐसा होता है कि खुशवंत सिंह के पेरेंट्स उनकी ग्रैंड मदर और खुशवंत सिंह को सिटी में ले जाते हैं ताकि पढ़ाई लिखाई वहाँ अच्छी तरह से हो पाए इनकी आदत है गांव में रहने की गांव के माहौल में पले बढ़े खुशवंत सिंह अब क्या टर्निंग पॉइंट क्या एक बदलाव ज़िंदगी में पाते हैं वो यहाँ इस चैप्टर में दिखाया गया है कि टर्निंग पॉइंट वॉज दिस कि वो लोग शहर में जाने के बाद भी सेम रूम में रहते थे जैसे कि गांव में एक साथ रहते थे बट अब बदलाव ये है कि खुशवंत सिंह अब गांव के स्कूल की बजाय शहर के इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाया करते हैं और स्कूल जाने के दौरान जैसे दादी माँ गांव में कुत्तों को रोटियाँ खिलाती थी बट देर आर नो डॉग्स। इंस्टेड ऑफ़ डॉग्स देर वेर स्पैरोज़ शहर में डोगस को रिप्लेस कर दिया गया स्पैरोज़ के द्वारा अब डोग्स नहीं मिलते हैं रास्ते में गौरिया चिड़िया स्पैरोज़ मिलते हैं और इस्पैरोज़ को ग्रैंड मदर खाना देती हैं जैसे कि हमने पहले भी स्लाइड में पिक्चर में देख चुके हैं और साथ में जब वो इस्कूल से वापस आता है तो गाँव के स्कूल में जब ये लोग वापस आते थे तो दादी माँ क्या सुनाती थी मोरल स्टोरीज़ चाहे हमारे पवित्र ग्रंथ से धार्मिक बुक से कुछ कहानियाँ लेकिन यहाँ पर ये जो सीख कर आता है इंग्लिश मीडियम से क्या क्या सीखता है वो अपनी दादी माँ को बताता है हो सकता साइंस पढ़ता है हो सकता है जैसे आर्किमिडीज़ का सिद्धांत एक हम लोग पढ़ते थे विज्ञान में और कुछ म्यूज़िक वगैरह सब सीखता है वो आकर अपनी ग्रैंड मदर को बताता है लेकिन इन सब को सुनने के बाद दादी माँ बहुत परेशान हो जाती है कि ये बच्चा क्या सीख रहा है मैं तो गांव में बच्चों को बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाती थी अब यहाँ पर ये लोग क्या सीख रहे हैं ये साइंस वगैरह जो कि दुनियादारी की चीज़ें हैं म्यूज़िक वगैरह भी वो ऐसा म्यूज़िक नहीं है जो गाँव में वो बच्चों को सिखाती थी भजन वगैरह यहाँ पर जो म्यूज़िक सिखाए जा रहे हैं बहुत दुनिया के अलग अलग हिस्सों के म्यूजिक अजीब अजीब जिनके शब्द भी बहुत आ, बिना मायने के हैं जिनके कोई मतलब नहीं है सो ग्रैंड मदर वॉज डिस्टर्ब बिकॉज ऑफ हिस वेस्टर्न लर्निंग देर वॉज़ नो कल्चर इन खुशवंत सिंग्स लर्निंग सो दिस वॉज द सेकेंड फेज सो इन थर्ड फेज ऑफ दिस स्टोरी अब खुशवंत सिंह बड़े हो चुके हैं अब उनका कॉलेज जाने का उम्र हो गया है सो ही स्टार्टेड गोइंग टू कॉलेज सो ही वेंट टू यूनिवर्सिटी अब जब यूनिवर्सिटी ये चले गए तो इनको अपने घर से दूर रहना पड़ रहा है और वहाँ पर सेपरेटेड रूम्स हैं जैसे बहुत सारे लोग बाहर पढ़ाई करते हैं तो बाहर पढ़ने जाते हैं तो हॉस्टल वगैरह सब लेते हैं रेंट वगैरह लेते हैं तो ऐसे ही खुशवंत सिंह बाहर पढ़ने गए यूनिवर्सिटी कॉलेज में वहाँ एक अलग रूम लेकर के रहते हैं वेयर कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप स्नैप्ड तब जा कर के दादी माँ और खुशवंत सिंह के बीच का जो रिलेशनशिप था एक फ्रेंडशिप जैसा रिलेशनशिप था वो टूट जाता है कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप स्नैप्ड और उनकी ग्रैंड मदर अकेले हो जाती हैं अकेले पड़ जाती हैं ग्रैंड मदर एक्सेप्ट हर लोनलीनेस अपन महसूस करती हैं लेकिन ग्रैंड मदर इज सो स्ट्रोंग दैट ही शी एक्सेप्ट हर लोनलीनेस विद इन हर सेल्फ एंड वट वट शी डज डि नॉट गिव अवे हर स्पिनिंग व्हील वो चरखा चलाती थी सूत काटती थी स्पिनिंग व्हील मतलब वो चरखा और कपड़े वगैरह बनाती थी उस काम को उन्होंने नहीं छोड़ा बल्कि उस काम को करते करते भी वो प्रेयर करती रहती थी वो माला जो जपने वाले साधुओं के पास होता है उस तरह के माला को लेकर के वो स्पिनिंग व्हील भी करती थी चरखा चरखा भी चलाती थी और माला जपती रहती थी क्योंकि वो बहुत ही रिलीजियस नेचर की थी और साथ में गौर चिड़िए उनको खाना देती थी चारा देती थी और वो चिड़िया भी उनके पास आते थे पैरों के पास आकर के कभी घुटनों के पास बैठ जाते थे कभी सर पर कभी कंधे पर इस तरह से ग्रैंड मदर का दिनचर्या चलता था सो द फेज नंबर फोर अभी तक हमने क्या देखा है कि खुशवंत सिंह गांव में थे देर वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बॉन्डिंग बिटवीन ग्रैंड मदर एंड खुशवंत सिंह रिलेशनशिप ऑफ फ्रेंडशिप लेकिन जैसे शहर आए थोड़ा थोड़ा ये रिलेशनशिप दूर होता गया ग्रैंड मदर वॉज डिस्टर्बड बिकॉज खुशवंत सिंह वॉज लर्निंग वेस्टर्न थिंग्स दुनियादारी सीख रहे थे जो कि आउट ऑफ आवर इंडियन कल्चर था फिर यूनिवर्सिटी गए यूनिवर्सिटी जैसे गए तो ग्रैंड मदर से इनका रिलेशनशिप और दूर हो गया वो अपने पढ़ाई में बिजी रहने लगे और ग्रैंड मदर अपना अकेलापन को दूर करने के लिए सूत काटना स्पिनिंग व्हील फीडिंग स्पैरोज और फिर उनके साथ एकांत में समय बिताने लगी नाउ फेज फोर अब खुशवंत सिंह का समय है कि वो बाहर पढ़ने जाने वाले हैं कॉलेज तो खत्म कर लिए फिर भी बाहर और पढ़ाई करने वाले हैं तो उसको विदा देने के लिए टू फेयरवेल खुशवंत सिंह टू अब्रॉड ग्रैंड मदर कम्स एट द रेलवे स्टेशन रेलवे स्टेशन छोड़ने आती है ग्रैंड मदर भी लेकिन उनका रिएक्शन क्या होता है काम एंड कंपोज बहुत शांत है ग्रैंड मदर को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है कोई भी इमोशन उनका दिखाई नहीं दे रहा है खुशवंत सिंह को बट वट शी डज़ किस्ड द फोर हेड खुशवंत सिंह के माथे पर वो एक किस करती है जिससे कि खुशवंत सिंह को लगता है कि शायद ये मेरा लास्ट मिलन है ग्रैंड मदर से और इसके बाद पता नहीं मैं कब आऊँगा पढ़ाई खत्म करके हो सकता है तब तक दादी माँ रहे या ना रहे इस तरह वो सोचता हुआ ऑथर वेंट अब्रोड वो चला जाता है अब्रोड ऑथर डाउटफुल ऑफ एवर मीटिंग अगेन और वो सोचता है कि अब तो दादी माँ से शायद ही मुलाकात हो पाएगी क्योंकि दादी माँ की उम्र भी बहुत ढल चुकी है अब शायद दादी माँ नहीं भी रहे सो दिस इज द लास्ट मीटिंग ही थिंक्स फेज फाइव बट वॉट हैपन्स वन खुशवंत सिंह कम्स बैक आफ्टर फाइव ईयर्स जब खुशवंत सिंह पाँच साल के बाद वापस आते हैं अपने पढ़ाई कंप्लीट करके वो क्या देखते हैं ग्रैंड मदर इज़ अलाइव एंड ग्रैंड मदर अनचेंज्ड और उनकी ग्रैंड मदर में कोई चेंज नहीं है वो जैसी थी वैसे ही है उम्र के ढलने का कोई निशानी ही नहीं है इन द इवनिंग शी कलेक्टेड वुमेन ऑफ द नेबरहुड वारियर्स और शाम को उसके आने के दिन शाम को क्या करती हैं आस पास की महिलाओं को कलेक्ट करके जमा करके वो ढोल बजाती हैं और गाना गाती हैं बहुत बूढ़ी हो चुकी हैं फिर भी वो गाना गाने में उसकी वॉइस स्ट्रेन हो रही है तब जा कर के लोग उनको मना करते हैं कि गाना मत गाइए आपकी आवाज़ उस तरह लाउड नहीं है और आपको समस्या हो सकती है आपके गले में और उसी शाम कॉट माइल्ड फीवर उनकी ग्रैंड मदर को थोड़ा बुखार हो जाता है डॉक्टर आते हैं चेक करते हैं और ये कहकर चले जाते हैं कि यह ठीक हो जाएगा लेकिन दादी माँ कहती है ग्रैंड मदर इज वेरी श्योर दैट शी इज नॉट गोइंग टू बी वेल बट शी इज गोइंग टू डाई वो मरने वाली है ओनली वॉन्टेड टू प्रे और वो केवल प्रेयर करना चाहती है वाइल लाइंग ऑन बेड हर लिप्स स्टॉप्ड और इस तरह प्रे करते करते बेड पर ही उसके ओंट रुक जाते हैं शी इज़ डेड नाउ रोजरी फैल डाउन वो जो माला जपने वाली माला है वो गिर जाती है शी वॉज डेड अब उसकी ग्रैंड मदर मर जाती है एंड द फेज़ नंबर सिक्स फ्यूनरल उनकी ग्रैंड मदर को फ्यूनरल दिया जाता है फ्यूनरल मार्च और उस समय कुछ घटना ऐसी होती है जैसे कि यहां पर है फ्यूनरल के बाद थाउजेंड ऑफ स्पैरोज के उनके फ्यूनरल में थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज हजारों की संख्या में गौर चिड़िया आते हैं मॉर्निंग ऑफ स्पैरोज ऐसा लग रहा है जैसे कि जितने भी वहाँ लोग हैं उनसे कहीं ज्यादा दुख में है ये गौरइये चिड़िए जिनका रिश्ता खुशवंत सिंह के जाने के बाद ग्रैंड मदर से हो गया था इग्नोर द ब्रेड क्राम्स और जैसे वो स्पैरोज आए तो खुशवंत सिंह ने क्या किया कुछ रोटी के टुकड़े तोड़कर उन चिड़ियों को दिया लेकिन चिड़ियों ने भी खाना बंद कर दिया मानो वो ग्रैंड मदर के फ्यूनरल में जा रहे हैं शव यात्रा में जा रहे हैं डिड नाट चर्प अटोल और वो एक भी नहीं चाहे। और दूसरे दिन स्वीपर्स क्रम्प एंड क्लींस द ब्रेड क्रम्प्स झाड़ू करने वाला आता है और वो रोटी के टुक फेंके गए टुकड़ों को झाड़ू कर देता है इस तरह से ग्रैंड मदर और खुशंत सिंह के बीच का जो रिलेशनशिप था वो फिजिकली खत्म हो जाता है लेकिन इमोशनली खुशवंत सिंह के साथ हमेशा ताम्र बरकरार रहता है सो दिस इज़ द समरी ऑफ द चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी और जब भी हम इस चैप्टर को हम लोग लाइन बाय रीड करेंगे लाइन बाय लाइन तब हम लोग देखेंगे कि बीच बीच में क्या डिटेल्स हैं जो कि आप लोगों के एम में आते हैं सो वी शल स्टार्ट रीडिंग द स्टोरी लाइन बाय लाइन फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास सो दैट यू कैन सोल्व द एम multiple choice questions at the end of the chapter i shall give you as as the chapter finishes so there will be chapter wise tests mcq tests at the end of the chapter so be updated and be safe thank you